तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासी मोटर्स में। तो आज हमारे सामने टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, कोई नॉर्मल वाली लेजेंडर नहीं, ये है जीआर वेरिएंट मतलब स्पोर्ट एडिशन। तो ये फॉर्च्यूनर लेजेंडर बिल्कुल आम वाली लेजेंडर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आगे की और डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो आप, ग्रिल की डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंट है और साइड में यहाँ पे आपको पियानो फिनिशिंग मिल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे साइड में आपको एलईडी हेडलाइट, एलईडी डीआरएल लाइट्स और एलईडी फॉग लाइट्स देखने को मिल जाती है आगे की ओर। और जो मेन चीज़ है वो साइड में एलॉय व्हील्स, देखो एलॉय व्हील्स की लुक कितनी बेहतरीन लग रही है, ब्लैक कलर की एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाती है, जिससे गाड़ी की लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो एलॉय व्हील्स इसके 265/60 18 इंच के एलॉय व्हील्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और ये जीआर वेरिएंट के अंदर भाई बहुत ही डिफरेंट होता है, तो कुछ इस तरह से साइड लुक आपको मिल जाती है, ओआरएम के अंदर इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, तो सारी की सारी गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। फुटरेस मिल जाता है, 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है। और साइड में से देख सकते हो किस तरह की गाड़ी हमें देखने को मिल जाती है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब दशहरा का दिन है, तो सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पीछे से कुछ इस तरह की लुक मिल जाती है, एलईडी टेल लाइट देखने को मिल जाती है आपको पीछे की ओर भी। जो गाड़ी की लुक है वो बहुत ही बेहतरीन है, तो सिर्फ लुक्स की बात नहीं है और भी करेंगे। एलईडी टेल लाइट आपको मिल जाती है कुछ इस तरह की, और यहाँ पे फॉर्च्यूनर की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है, जिसके लिए सारे के सारे लोग दीवाने हैं। जीआर की बैजिंग भी मिल जाती है, स्पोर्ट एडिशन है इसीलिए। बाकी 296 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। 7 सीटर गाड़ी है तो इतनी ज्यादा बूट स्पेस नहीं मिलेगी, सीट फोल्ड करके आपकी स्पेस बढ़ सकती है। बाकी 7 सीटर होने के बावजूद भी 296 लीटर की बूट स्पेस कम नहीं होती। पीछे यहाँ पे आपको रियर वाइपर वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं मेन इसकी इंजन वगैरह की। तो सबसे पहले इसके अंदर 2.8 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, 2755 cc का इंजन मिल जाता है, 201 bhp पावर और 500 Nm टॉर्क देखने को मिल जाती है। तो कितनी पावरफुल होगी ये गाड़ी वो सोच लो। और इसकी एलॉय व्हील्स की डिज़ाइन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है, मतलब हम आफ्टर मार्केट यही करवाने के लिए जाते हैं कि हमारे एलॉय व्हील्स ब्लैक कलर के अंदर हो, और ये कंपनी खुद ही दे रही है जीआर वेरिएंट के अंदर। तो कुछ इस तरह की बाहर की लुक थी, बाहर का वॉक अराउंड मैंने आपको दे दिया है। अब हम चलते हैं सीधा इंटीरियर देखने के लिए, किस तरह का इंटीरियर वगैरह मिल जाएगा हमें इस गाड़ी के अंदर देख लेते हैं। बाकी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, चलो इंटीरियर देखते हैं। तो सबसे पहले साइड में यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, पावर विंडोज वगैरह के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट टच वाला आर्मरेस्ट मिल जाता है, बोतल की जगह मिल जाती है, सामने रख सकते हो। और यहाँ पे कुछ इस तरह की सीट्स मिल जाती है, फुट रेस्ट पे पैर रख के अंदर चढ़ जाती है। यहाँ पे ग्रे पैनल आपको देखने को मिल जाता है, तो चलो देख लेते हैं कैसी है फॉर्च्यूनर की जीआर वाला वेरिएंट। तो आ चुके हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर जीआर वेरिएंट के अंदर। तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि जीआर वाला वेरिएंट भी आता है, बहुत ही डिफरेंट है भाई। इसका स्टेयरिंग देख लो भाई, मतलब भाई प्यार हो चुका है इस गाड़ी से तो बिल्कुल। यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, क्लस्टर डिजाइन कुछ इस तरह का मिलता है। गाड़ी की बैटरी ड्रेन है तो भाई सॉरी क्लस्टर का डिजाइन नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग मोड वगैरह मिल जाते हैं आपको। और यहाँ पे एक खास चीज दिखाऊं, ये देखो स्टार्ट स्टॉप पे यहाँ पे जीआर लिखा हुआ है भाई। और यहाँ पे डिस्प्ले वही नॉर्मल वाली मिलती है, लेकिन भाई ये लेजेंडर जीआर वेरिएंट है तो भाई क्या ही बोलूं यार, बहुत ही तगड़ी गाड़ी है सच्ची में बता रहा हूँ। यहाँ पे सीवेंट्स की डिजाइन देख लो, डैशबोर्ड कुछ इस तरह का देखने को मिल जाते, आगे की और कुछ इस तरह की लुक आपको मिल जाती है। सबसे ज्यादा इस पे नजर जा रही है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी वगैरह देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देख लो क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं, यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे दो दो कप होल्डर मिल जाते हैं वो भी प्रीमियम तरीके से ही, और इधर वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा आपको फॉर्च्यूनर के अंदर। तो डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे भी फॉर्च्यूनर का बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक बटन क्लिक करते ही ये ग्लव बॉक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ पे भी सामान रख सकते हो। और भाई यहाँ पे भी ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है, और ये बिल्कुल सॉफ्ट टच बनाया गया है, मतलब डैशबोर्ड आप देख सकते हो क्या ही बनाया है। साइड में सीट्स में भी एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे भी जीआर की बैजिंग, मतलब जिस तरह एम स्पोर्ट वगैरह ऑप्शन आते हैं वेरिएंट आते, इस तरह यहाँ पे जीआर वेरिएंट है। और यहाँ पे देख सकते हो वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पियानो फिनिश मिल जाती है, साइड में आपको स्पीकर मिल जाता है। और ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, यहाँ पे इको नॉर्मल और स्पोर्ट मोड मिल जाता है, यहाँ पे ट्रैक्शन वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। और आर्मरेस्ट भी बहुत ही तगड़ा है भाई, यहाँ पे आर्मरेस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा जगह वगैरह देखने को मिल जाती है। अब मैं पीछे जाके आपको स्पेस वगैरह दिखाता हूँ, उसके पहले यहाँ पे आप देख सकते हो
स्लाइड मिरर यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे लाइट मिल जाती है, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाता है, इस तरफ भी आपको शीशे वगैरह मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। प्रीमियम गाड़ी के प्रीमियम मजे होते ही है भाई। अब पीछे जाके दिखाता हूँ किस तरह की स्पेस वगैरह देखने को मिल जाएगी ये फॉर्च्यूनर लेजेंडरी GR वेरिएंट के अंदर। तो चलो पीछे जाके देखते हैं, थर्ड रो तक देखेंगे क्या क्या स्पेस वगैरह मिलती है हमें, ठीक है। बाकी गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, मुझे तो मजा आ रहा है इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद। वैसे भी फॉर्च्यूनर में बैठने के बाद अलग ही मजा आएगा आपको। तो चलो पीछे जाके देख लेते हैं कितनी स्पेस वगैरह मिलती है, थर्ड रो तक देखेंगे भाई। तो यहाँ पे पीछे की ओर आपको सॉफ्ट टच वाला आर्मरेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे स्पीकर और बोतल और सामने रखने की स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह की सीट्स मिल जाती है। पीछे बैठ के देखते हैं कितनी स्पेस मिलेगी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल गाड़ी है कि नहीं वो मेनली देखेंगे। वैसे फॉर्च्यूनर और इनोवा में से इनोवा कम्फर्ट में ज़्यादा आगे निकलेगी फैमिली के लिए अगर ले रहे हो तो, सिर्फ और सिर्फ कम्फर्ट चाहिए तो। तो कुछ इस तरह से आपको लेग स्पेस मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा लेग स्पेस है, मतलब बाइक ऑब्वियसली फॉर्च्यूनर है तो लेग स्पेस तो मिलेगी, और बीच में यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है इस तरह सा, पीछे से कुछ इस तरह की लुक देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे भी दो दो USB पोर्ट देखने को मिल जाएंगे टाइप सी वाले, यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो चार्जिंग करने के लिए। यहाँ पे हुक मिल जाता है दोनों को, दोनों सीट्स के अंदर यहाँ पे भी मिले, यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पे आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे भी लाइटिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, और यहाँ से AC को कंट्रोल कर सकते हो, फैन स्पीड वगैरह को दोनों तरफ मिल जाते हैं, वहाँ पे भी ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे भी पियानो फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा। चलो पीछे जाके स्पेस वगैरह देख लेते हैं। बूट इसकी भी ओपन नहीं होगी क्योंकि भाई बैटरी इसकी ड्रेन है। चलो चलते अब सीधा थर्ड रो के अंदर और देखते हैं कितनी स्पेस हमें देगी ये वाली फॉर्च्यूनर। तो आ चुके भाई थर्ड रो के अंदर, और कुछ इस तरह से यहाँ पे स्पेस वगैरह मिलती है। तो भाई देखो सीट को यहाँ से भी आप सीधा कर सकते हो, भाई यार थर्ड रो तो इसकी फेल हो चुकी है क्योंकि इतनी ज्यादा स्पेस हमें मिलती ही नहीं है इसकी थर्ड रो के अंदर। तो कुछ इस तरह से बैठा हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस देख लो, बिल्कुल लेग स्पेस नहीं है, बच्चों के लिए बनी है। पीछे की ओर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। वैसे पीछे की ओर सीट्स को आप पीछे तो कर सकते हो, तो उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी स्पेस बन जाएगी, और बूट स्पेस भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है। थर्ड रो के अंदर भी AC वेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ग्रैब हैंडल दोनों के दोनों तरफ मिल जाते हैं, और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी स्पेस मिल जाती है, उस तरफ भी आपको स्पेस वगैरह मिल जाती है, तो स्पेस तो काफ़ी अच्छी है, और लास्ट एंड में बूट में भी यहाँ पे लाइट मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है। लेकिन पीछे थर्ड रो के लिए, मतलब अगर आप अकेले हो, मतलब पूरे के पूरे 6 लोग हो, तो यहाँ पे पहले नंबर करके आप जा सकते हो, बाकी बच्चों के लिए ही पीछे की थर्ड रो है। तो चलो अब चलते सीधा बाहर और प्राइसिंग वगैरह बता देता हूँ GR वेरिएंट का। तो कुछ इस तरह का इंटीरियर आपको मिल जाता है फॉर्च्यूनर लेजेंडर GR वेरिएंट के अंदर। तो GR वेरिएंट सबसे ज्यादा महंगा वाला वेरिएंट है फॉर्च्यूनर का, और ये सबसे ज्यादा महंगी इसीलिए कि ये GRS वेरिएंट है, मतलब स्पोर्ट एडिशन आपको देखने को मिल जाता है। 296 लीटर की बूट स्पेस है, मैंने आपको बता दिया, गाड़ी की बैटरी ड्रेन थी इसलिए नहीं दिखा पाया, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो 51.44 लाख रुपीज इसकी एक शोरूम प्राइस है। तो बाहर आते आते काफी महंगी पड़ती है ये वाली गाड़ी, तो कैसी लगी वो कॉमेंट करके जरूर बता देना, और फॉर्च्यूनर लवर्स को शेयर भी कर देना वीडियो को, और भी कार की रिव्यूज हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो मिलती है ऐसी और नई कार के साथ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।